नमस्कार प्रणाम। आपका छोटा भाई रॉकी यादव आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता है। और आज हम कुछ कहने आए हैं, कुछ बताने आए हैं, क्योंकि आप लोगों के तो पता है सर कि खेसारी भैया जी और पवन भैया जी में फिर से झगड़ा हो गया है। उन्होंने आपस में फिर मैटर फैला लिए हैं। अब पता नहीं यार कि ऐसा उन लोग क्यों करते हैं यार। सर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं बता सकते हैं? पता है? क्या हो रहा है हम लोगों में? क्या हो रहा है हम लोगों के आपस में झगड़ा हो रहा है? बोले कैसे बता सकते हैं कैसे? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिहार झारखंड यूपी पूरे देश में खेसारी जी का फैन और पवन जी का फैन बहुत है, बहुत है। हर लोगों का फैन बहुत है, निरहुआ का फैन। तो अब होता क्या है कि आप लोगों को होता क्या है हम लोगों में कि हम खेसारी जी का फैन है। तो फैन है तो हम लोग तो खेसारी का ही मतलब ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा बड़ाई करेंगे। और जो पवन जी का फैन होंगे वो तो पवन जी का बड़ाई करेंगे, पवन जी की चर्चा करेंगे, उनकी अच्छाइयाँ को बताएंगे। ये तो होगा, ये तो फैक्ट होगा यार, पूरी दुनिया जानती है यार, सब लोग जानता है। और क्या होता है यार कि जो खेसारी जी का फैन है वो पवन भैया को गाली दे देंगे, और जो पवन जी का फैन है वो खेसारी भैया को गाली दे देंगे। और जब गाली दे दिए तो तब तो होगा ही झगड़ा, क्योंकि कोई ऐसा बोलेगा तो दुख लगेगा यार, दुख लगता है, वहाँ वास्तव में दुख लगता है यार, ऐसी बात नहीं है, वास्तव में दुख लगता है यार। और इसकी वजह से पूरा बिहार में यूपी में मैं देख रहा हूँ यार कि बहुत गाली गलौज हो रहा है, बहुत गाली गलौज हो रहा है। एक आज एक हमने वीडियो देखा, और वीडियो में क्या देखा ना कि खेसारी भैया का एक बड़ा सा फोटो लेकर उनको पुतला जलाया गया खेसारी जी का। तो कौन ऐसा किया नहीं जो पवन जी का फैन होंगे, और खेसारी जी को बहुत गाली दिए, बहुत बदतमीजी से गाली दिया, बहुत गाली दिए उनको। तो और अब बताइए कि जो खेसारी भैया जी का फैन होंगे, जो पुतला देखे हैं एक खेसारी जी का जलाते, अब वो तो उनका उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न होगी, बिल्कुल होगी यार, बिल्कुल होगी। और अब क्या करेंगे खेसारी जी का फैन, पता है क्या करेंगे? पवन जी का फोटो लेकर उनका पुतला जलाएंगे। और बताइए सर, और जहाँ पर वो पुतला जलाएंगे, अब वहाँ पर जो रहने वाले लोग होंगे खेसारी का फैन और पवन जी का फैन, झगड़ा तो होगा, होगा कि नहीं होगा आप लोग बताइए? बिल्कुल होगा। और बताइए यार, तो क्या ये अच्छा है? आप लोग बार बार हर 6 महीने पे, हर 4 महीने पे, हर साल भर पे आप लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, अरे ऐसा क्यों करते हैं सर, क्यों ऐसा करते हैं बता सकते हैं? मैं बता दूं कि ऐसी बात नहीं कि मैं खेसारी भैया जी का फ़ैन हूं तो पवन जी का गाना नहीं सुनता हूं, गलत। निरहुआ का गाना नहीं सुनता हूं, गलत। रितेश पांडे का गाना नहीं सुनता हूं, गलत। प्रमोद प्रेमी का गाना नहीं सुनता हूं, गलत। गुंजन सिंह का गाना नहीं सुनता हूं, गलत। मैं सबको सुनता हूं यार, सबसे प्यार करता हूं यार, सबको सपोर्ट करता हूं यार, क्योंकि यार सब लोग अपना अपना मेहनत पे आगे जा रहे हैं,
और आप लोग क्या तमाशा करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, वीडियो वायरल होता है, हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग झगड़ते हैं कि अरे पवनवा के तू का बोल दे रे, तू खेसारी का कहा बोल दे रे, मारब ना तो फट जाइए। हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि मेरा जो दोस्त होगा यार वो खेसारी का बुराई करेगा, जो पवन का जो फैन होंगे वो खेसारी का बुराई करेंगे, जो खेसारी का फैन होंगे वो पवन का बुराई करेंगे, तो मुनगरम ही होगा कि नहीं यार गलत बात है, लड़ाई होगा ना आपस में, ऐसा क्यों करते हैं सर। पवन भैया जी का एक वीडियो वायरल हुआ जो कहीं स्टेज शो पे गए और पता नहीं क्या क्या बके, तो खैर ये सब अच्छा नहीं है, पता है पवन जी ने स्टेज शो करने या गए या किसी प्रोग्राम में गए तो ऐसी बात नहीं है कि उस प्रोग्राम में गए तो सिर्फ पवन जी का ही फैन गए होंगे या फिर सिर्फ पवन जी का ही सपोर्ट गए होंगे, सपोर्टर गए होंगे, नहीं, वहाँ खेसारी भैया और सारे कलाकारों के फैंस होंगे, जो सारे लोग वहाँ गए होंगे। और आप पवन जी आप स्टेज पे जो ऐसा बात बोले, ऐसा ऐसा जो बात आप बोले और जो खेसारी भैया के वहाँ पर फैन होंगे वो क्या मतलब सोचा होगा यार कि बक ये क्या ये सब करता है आपस में यार, कि हम हैं जो हम हैं, ये कोई नहीं है, जो हम कर दिए हैं वो आज तक कोई नहीं करेगा, जो लकीर खींच दिए हैं वो खींचा रहेगा, हमरा से आगे केस हवा नहीं जी। अब बताइए वहाँ पे हम देखने गए आपका स्टेज प्रोग्राम, आपको देखने गए बहुत उत्सुकता से और हमें ख़राब लगने लगा यार, मुझे ख़राब लगने लगी कि पवन भैया जी खेसारी भैया के बारे में ऐसे बोल रहे हैं यार, तो मुझे तो ख़राब लगेगा यार, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो प्लीज़ भैया आप लोगों ने आपस में झगड़िएगा तो हम लोगों पर क्या बीतेगा बता सकते हैं, कभी इस बात को तो समझते नहीं हैं आप लोग, एक घर के आदमी हैं आप, बताइए मान लिया जाए कि घर में पापा और चाचा से अगर झगड़ा हो रहा है तो हम लोग देखेंगे झगड़ा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे पता है, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के समान रूप से देखते हैं यार, जितना खेसारी से मैं प्यार करता हूँ ना उतना पवन जी से भी प्यार करता हूँ और लोगों से मैं प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ यार, लेकिन जो आपस में आप लोग ऐसे करते हैं ना वो अच्छा नहीं करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं सर? नहीं सर आप लोग ऐसा आपस में मत लड़िए और आपस में विवादित मत करिए, आप लोगों से हम लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो प्लीज़ भाई लोग आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ यार कि जो खेसारे भैया का फैन होंगे और जो पवन भैया का फैन होंगे, हम लोग क्यों लड़ जाते हैं आपस में यार, ऐसा नहीं करो यार, जहाँ तक जो हुआ यार हम लोग क्यों झगड़ा कर लेते हो यार, ये जो आप लोग गाली गलौज करके फेसबुक पे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे शेयर करते हो अच्छा लगता है, नहीं इससे और झगड़ा बढ़ता है, इससे और विवादित होता है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं करिए, ऐसा मत करिए, तो प्लीज़ आप लोग उससे निवेदन करता हूँ यार कि ऐसा मत करिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम लोगों को यार आप लोग ऐसे करते हो तो जी नहीं। तो चलिए ठीक है भाई लोग, आप लोगों के प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, आई लव यू।